नमस्ते, प्रणाम सब कोई के, सब भोजपुरिया श्रोता लोगे प्रणाम करे तनी, गोर लगा तनी। आप सब बहुत आशीर्वाद प्यार दे देनी जा अखिलेश कश्यप। आप सबके आशीर्वाद प्यार के हम आभारी रहब। आप सबके आशीर्वाद प्यार ही शायद ही कबो भुला पाई। आप सब इतना आशीर्वाद प्यार हमके देनी, खेसारी भैया के देनी, गाना के देनी, आदिशक्ति कंपनी के देनी, तो इससे ये साबित होता है ना कि भोजपुरी में कभी भी आप लोग गलत नहीं होने देंगे। जब तक आप सब हैं तब तक आप लोग गलत नहीं होने देंगे कभी, क्योंकि आप सबका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। और आप लोग को सब कुछ पता रहता है कि क्या है सच और क्या झूठ है। फिर भी आप लोग, सब लोग तो जान ही गए होंगे, फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ प्लानेट भोजपुरी के माध्यम से कि ये गाना आज से बहुत दिन पहले मैंने दिया था रितेश पांडे जी को, जो कि हमारे कंपनी के मलिकार थे, आदिशक्ति कंपनी के मलिकार थे रितेश जी। जब छठ छठ का शूटिंग करने गए थे तब ये गाना हम लोग तैयार किए थे। बाबा हमसे बोले कि देखिए ना, एक हिंदी गाने का ट्यून है कि वो दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जीजा जी फिल्मी है। इस गाने को बाबा सुनाए मुझे, बोले कि इस पे कुछ लिखिए यूनिक करके। तो मैंने 4-5 मैटर लिखा, उसके बाद उसमें एक मैटर उनको पसंद आया तो मुझे बुलाया लोग बनारस। जब मैं गया तो गाना वो रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद फिर हम लोग फ़ोन करने लगे कि भैया गाना भिजवाइए, हो गया है तो वो गाना नहीं दिलवाए दिए। उसके बाद फिर हेलो कौन वाला मैटर आया, तो मेरा मैंने उन पे भेजा था कि भैया इस देखिए कॉमेडी वीडियो में इसको किया जाए, तो वही गाना मुझे लगा कि वो नहीं गाएंगे तो मैंने अंकुश राजा से गवा दिया। फिर उसके बाद वो लोग भी रिलीज किए, उसके बाद फिर से हम लोगों में अनबन हो गया। आदिशक्ति कंपनी के बाबा से वो बार बार फ़ोन करते थे मनोज बाबा, और वो फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं देते थे। बाबा मुझे फ़ोन किए कि भाई लग रहा है गाना वो लोग नहीं देंगे। मैं बोला कि बाबा आप देख लीजिए, आप जो बोलते हैं हम तो आप उन्हीं के कंपनी में काम करते हैं। तो वो बोले कि मैं खेसारी जी को भेज दिया हूँ। मैं बोला देख लीजिए बाबा आप। तो खेसारी भैया के पास गाना गया आज से बहुत दिन पहले, 15-20 दिन, 1 महीना हो गया होगा, 1 महीना के आसपास में गया। तो बोले खेसारी भैया कि अभी हम शूटिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम वोग्राम भी है इधर उधर, तो हम व्यस्त हैं। तो उसके बाद वो उसके बाद फिर बाबा बोले कि खेसारी भैया गाने के लिए बोल रहे हैं, आप गवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है। जैसे ही गाना रिकॉर्ड हुआ तो जहाँ स्टूडियो पे अंतराजी गाती हैं, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि अरे भाई ये गाना आपका फिर से रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आपका नाम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने बाबा को फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ। तो बाबा बोले कि नहीं, हम खेसारी, तो फिर हम खेसारी भैया के पास गए, गवा ववा के लेके आए मास्टर। फिर हम लोग रिलीज किए, जैसे ही रिलीज किए और शाम को ये लोग कर दिए। क्योंकि आप लोग को मैं क्लिप सुनाया था कल, जो डमी मैंने दिया था, जो गाना गवाया गया था, उसमें आप लोग कल सुने होंगे मेरे लाइव के माध्यम से कि उसमें लड़की वाला पार्ट में रितेश जी गाए हैं कि रितेश अखिलेश ढेर बोली जनी रहुआ। आप लोग खुद बताइए मैं चोरी कहाँ से किया हूँ। आशीष वर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं लिखा हूँ गाना, और अभी एक नेट पे और ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिनमें उनका रिकॉर्डिस्ट बोल रहा है कि भैया ये तो सारा सर गलत है, ये गाना तो मैं रिकॉर्ड किया हूँ, डमी किया था, आप आए थे उस दिन पार्टी था आप लोग के समक्ष, वो भी सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आप लोग ढूंढिएगा, मिल जाएगा नेट पर, नहीं तो मैं भेज दूंगा प्लानट भोजपुरी के नीचे। तो सब कुछ जायज़ है। उसके बाद मुझे कल फ़ोन करके आशीष वर्मा जी गाली दे रहे हैं, आदिशक्ति कंपनी को गाली दे रहे हैं कि काट देंगे, लतिया देंगे, फेंक देंगे भोंसड़ी के, बिहार के तुम लोग इसीलिए पीछे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार से भोजपुरी, बिहार ही से ना यूपी से भोजपुरी है? आप तो लंदन से नहीं आए हैं, अभी तो यूपी बिहार से ही ना बॉम्बे में गए हैं। आप बोल रहे हैं कि बिहार के तुम लोग बिहार में ही रहोगे, अच्छा हम लोग बिहार के ख़राब हो गए और आप बॉम्बे रहने लगे, तो इसका मतलब कि सारे हमारे सुपरस्टार बॉम्बे रहते हैं तो वो हिंदी गाना गाने लगे, क्यों भोजपुरी गाते हैं? क्योंकि उन लोगों को अपने मिट्टी से प्यार है, और आप भी बिहार के भोजपुरी की मिट्टी की कमाई खाते हैं तो ये बोल रहे हैं। हमारे उनका रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिएगा, मुझे जो गाली दे रहे हैं
उसमें इतना ईगो में तैश, मैं जब बोलने की कोशिश कर दे रहा हूँ वहाँ पे रोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिहार के साले तुम लोग बिहार में ही रहोगे, तू क्या बोलेगा बे। अरे तारे इस तरह से मिसबिहेव से बात किए हैं हमारे साथ। फिर भी आप लोग कहीं भी लाइव में, मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दिया एक शब्द भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ किसी की भी हो वो माँ होती है, बहन किसी की भी हो बहन होती है। आप दे रहे हैं, आप दीजिए। अच्छा गाली दे दिए हमारे कंपनी के मालिक को ही आप गाली दिए, बोले कि दो कौड़ी का आदमी है, गिड़गिड़ाता है इस्टा। मुझे ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, मैं तो 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ आदिशक्ति कंपनी में, मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सब सब लोग से हम मिले कि गिड़गिड़ाना के उनको तो सब लोग हरे सब लोग स्टार बहुत प्यार देते हैं। और रही बात स्टार की, तो हम ही खेसारी भैया के पास गए थे आदिशक्ति कंपनी को ही, वो तो मुझे जानते थे कि आदिशक्ति से आए हैं। पहले तो मैं आदिशक्ति बन के गया था, भैया से मिला, भैया से मिलने के बाद मैं मुझे खुद ही क्लियर नहीं कर पा रहा था कि खेसारी भैया ही हैं। इतना अच्छा इंसान मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार मैंने देखा, हम सरल कोई यहाँ पे स्टेडम ईगो घमंड नहीं। तो मैं तो पहली बार मिला था खेसारी भैया से, और उसके बाद हम लोगों कलाकार को इज्जत करते हैं, चाहे बड़े हो जो हमसे बड़े हो, यहाँ पर जात पात कलाकार की तो कोई होती नहीं है। मैंने प्रणाम किया तो पूछे खेसारी भैया कि आप ब्राह्मण ही हो क्या। हम बोले कि हाँ भैया मैं ब्राह्मण हूँ। तो आप आज से ऐसा गलती मत कीजिएगा कभी बाबू, हम लोग ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा अगर मुझे प्यार करते होंगे तो। मैंने उस दिन ही समझा कि, और मैं अपना गाना गवाने गया, ये नहीं कि वो भैया गाना गाए हैं तो उनका, लेकिन जब इंसान से मिलने के बाद सबकी सच्चाई पता चलती है। तो यही सब बात था हमारा गाना, फिर ये लोग छोड़े, उसमें आशीष वर्मा जी गीत लिखने लगे, बिहार को गलियाने लगे, मनोज मिश्रा को गाली देने लगे, जितनी कंपनियां छोटी छोटी है सबको गाली देने लगे। आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिकॉर्डिंग में वो बोले हैं, सबको गाली देने लगे कि साला दो कौड़ी की कंपनियां में छोटी तुच्छी कंपनियों को नहीं, तो आपके लिए टी सीरीज ही ना लेवल में है, उसके बाद वेब है, टी सीरीज है, उसके बाद तो और जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री की कंपनी है वो तो आपके लिए छुट्टी है, कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों की औकात नहीं है आपका म्यूजिक लेकर रिलीज करने की, गंवाने की। तो मुझे बस आप लोग पे भरोसा है, अपने पब्लिक पे भरोसा है, और आप लोगों ने एक छोटे इंसान को, मुझे कौन जानता है, मुझे कोई नहीं जानता था ना, लेकिन ये मैंने देखा भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आप लोग सत्य के साथ खड़ा दिखे, आप लोग सच्चाई के साथ लड़े, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं लड़ा, एक झूठ और एक सच की लड़ाई थी जिसमें सच के साथ आप लोग खड़े दिखे। मेरे हर पोस्ट पे आप लोग ये बोलते थे तो मुझे गर्व होता था कि कश्यप तुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज तेरे पोस्ट पे 1000 कमेंट आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, तो मुझे बहुत फख्र होता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो भोजपुरी सुनते हैं वो लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और हम लोग तो गांव देहात के लड़के हैं ना, हमें बस यही सिखाया गया है ना, हमनी के कबो बॉम्बे गई बनी जाए आ ना कबो हमनी के सिटी में रहल बन जाए, हमनी के अपन गांव देहात कहीं जा मेहनत करके लिखी ना जाए, तो हमनी के ये जानत तनी जा कि बढ़ के केहू के भी संस्कार दे के बोले के चाहिए, केहू से ईमानदारी से रहे के चाहिए, केहू के ना चीट करे के चाहिए ना चीटर बने के चाहिए। तो हमनी के तो कबो वो सब के भावना से कबो केहू संग रहबे ना कहीं जाए। तो अब लोग कहत आ रहे हैं कि हमार गाना चुराओ तारे, तो हमारे स्टूडियो में आके चुरा लो। अब बताई भैया केहू के स्टूडियो में जाके केहू गाना कैसे चुरा सकता, ये बताई। आ कैसे गाना में ना उगा दिले रहा, हम कौन केहू तो हित न तारनी है ना, जब गाना में हमारे कोनो योगदाने ना रहा तो कैसे केहू गा दी, आप सब खुद सोचिए। तो ऐसा ऐसा कैले बा लोग, ऊपर से माई बहन के ऊ गारी फेसबुक पर भरी दिले बा लोग, फोन पर बबुआ सबके सामने ही बबुआ सब क्या बताओगे बा। तो आप सब भगवान बनी जा, पब्लिक हमारे लिए श्रोता भगवान है, और आप लोग सत्य के साथ खड़े हैं, तो मुझे इस बात पर मुझे मार के फेंक भी देंगे लोग तो मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए कि मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया, मुझे जितना प्यार पाना था मैंने पा लिया। भाई इतने गरज रहे हैं हमारे साथ खड़े हो गए, मुझे इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। दिन भर में 2000 कॉल आता है, भैया डरिएगा नहीं हम आपके साथ हैं, भैया यहाँ किसी की लड़ाई नहीं, यहाँ झूठ और सच की लड़ाई है, और पूरा भोजपुरी श्रोता खड़े हैं हमारे साथ। आप दीजिए गाली बिहार को कितना दे रहे हैं,
आपके सामने आएगा। ये वीडियो आप लोग प्लानेट भोजपुरी के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग प्लानेट भोजपुरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे न्यूज़ अपने चैनल पर चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं सत्य सत्य चढ़ाते हैं, सच चढ़ाते हैं, ना किसी से डर भय। आप सब भैया को भी सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद, प्रणाम सब कोई के दिल से, धन्यवाद, लव यू भाई।